हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय यूट्यूब चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि 3 एंड √3 यूज़ जो हम करते हैं 3-phase सिस्टम के लिए, वो दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज़ है, वो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आपको ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि हम कहीं पे पावर में √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कहीं पे हम पावर में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले आपको मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि जो हमारे पास दो सिस्टम होता है, एक होता है AC और दूसरा होता है हमारे पास DC। तो आप जाते हैं AC जो होता है अल्टरनेटिंग करंट और DC जो होता है वो डायरेक्ट करंट। बट इसमें डिफरेंस आपको जानना होगा कि जो AC सिस्टम है उसमें सिंगल फेज सिस्टम होता है। सिंगल फेज जो सिस्टम होगा उस केस के लिए हम जानते हैं जो हमारा पावर होगा P = VI cos φ, ये एक्टिव पावर हुआ। बट रिएक्टिव पावर की मैं बात करूँगा Q = VI sin φ, ये आपका क्या हो गया, रिएक्टिव पावर। लेकिन अगर मैं केस करता हूँ कंसीडर DC सिस्टम के लिए, तो DC सिस्टम में हमारा जो पावर होगा वो P = होगा हमारा VI, ये भी आपका सिंगल फेज सिस्टम के लिए हुआ, सिंगल फेज सिस्टम के लिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको जानना है कि हमारे पास जो सिस्टम है वो होता है AC सिस्टम। तो AC सिस्टम में हम कहीं पे 3 मल्टीप्लाई करते हैं और कहीं पे √3 मल्टीप्लाई करते हैं पावर में। तो मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, हमारे पास AC सिस्टम है जहाँ पे मैं कहीं पे √3 और एक बार 3 मल्टीप्लाई करके पावर कैलकुलेट करूँगा। तो अब मैं निकालता हूँ, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जो हमारा AC सिस्टम है, ठीक है, उसमें मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ √3 से। तो पावर का वैल्यू हम जानते हैं, इक्वेशन क्या होता है, P = √3 VI cos φ, ये cos φ क्या रिप्रेजेंट करता है, पावर फैक्टर, ठीक है। अब मैं सपोज एक मोटर कंसीडर करता हूँ, सपोज ए मोटर एंड इट्स करंट, जिसकी करंट की वैल्यू दी गई है 5 एम्पियर, पावर फैक्टर जो हमारा वैल्यू दिया गया है वो 0.8 और वोल्टेज जो हमारा है 415 वोल्ट, ये हमारा वैल्यू दिया गया है। अब हमें आगे इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, जो पावर होगा वो क्या होगा। तो पावर हम जानते हैं √3 × वोल्टेज, वोल्टेज की वैल्यू 415 × करंट 5 × पावर फैक्टर 0.8। अब यहाँ पे हम जानते हैं √3 का वैल्यू होता है 1.732 × 415 × 5 × 0.8। तो P = होगा हमारे पास वैल्यू 2875 वाट। अगर मैं इसको किलो वाट में कन्वर्ट करता हूँ तो डिवाइड करूँगा 1000 से, तो 2.875 किलो वाट, ये हमारा वैल्यू आया उस केस के लिए जब मैं कंसीडर कर रहा हूँ P = √3 VI cos φ, जब मैं √3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं चेक करूँगा कि जब हम पावर का वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, P = 3 VI cos φ। तो उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, दो कनेक्शन होता है हमारे पास, एक होता है स्टार कनेक्शन और एक होता है हमारे पास डेल्टा कनेक्शन। तो जब स्टार कनेक्शन की हम बात कर रहे हैं तो उस केस में होता है VL = √3 VFase और IL = IFase। और जब मैं वही डेल्टा कनेक्शन की हम बात करेंगे, जब मैं डेल्टा कनेक्शन, तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में होता है IL = √3 IFase और VL = VFase। तो हमारे पास यहाँ जो पावर निकालना है वो 3 VI cos φ, मीन्स हमारा जो होगा, अगर फेज ले रहे हैं तो फेज वोल्टेज क्या होगा, P = फेज वोल्टेज ले रहे हैं P = 3 × V होगा आपका यहाँ पे VL/√3। तो फेज वोल्टेज होगा आपका VL/√3 × I × पावर फैक्टर। तो हमारे पास जो पावर होगा 3 इंटू
VL की वैल्यू हम जानते हैं 415/√3 इंटू I की वैल्यू हम जान रहे हैं, I करंट है आपका कितना 5 एम्पियर, पावर फैक्टर हमारा 0.8। वो सेम केस में वही करंट और वही पावर फैक्टर कंसीडर कर रहा हूँ जो पिछले केस में लिया था। तो यहाँ पावर की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगा 2875 वाट, और मैं इसको किलो वाट में कन्वर्ट करूँगा तो पावर आएगा 2.875 किलो वाट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि दोनों केस में जब पावर मैंने रूट थ्री से मल्टीप्लाई किया था और पावर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था, दोनों केस में वैल्यू सेम आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं आया। एक और तरीका है मैं जिससे बता सकता हूँ आपको कि दोनों केस में सेम आएगा, तो मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ उस केस के लिए जब मैं पावर इज इक्वल टू लिख रहा हूँ 3 VI cos φ। ठीक है, तो इस केस के लिए हम देखते हैं। तो आप जानते हैं जो हमारा सिस्टम होता है, जो हमारा सिस्टम है आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है वो क्या होता है, 3-phase 4-wire सिस्टम है। तो 3-phase 4-wire सिस्टम है तो उस केस में हमारे पास 3 phase होते हैं, रेड ये हमारे पास 3-phase 4-wire सिस्टम है, मीन्स 3 phase है, R, रेड येलो ब्लू एंड न्यूट्रल। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, अगर हमारे पास फेज टू फेज वोल्टेज हम चेक करते हैं, सपोज हम फेज टू फेज वोल्टेज इन दोनों फेज के बीच में हम फेज टू फेज अगर इस फेज से इस फेज का वोल्टेज देख रहे हैं तो हमारे पास क्या है 415 वोल्ट। अगर वही हम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज देखते हैं, ये फेज और ये न्यूट्रल, फेज टू न्यूट्रल हम देख रहे हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या हो रहा है 415/√3। तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, मीन्स आपका वैल्यू जो आ रहा है वो 239.6 आ रहा है। तो हम केस में निकालते हैं, वैल्यू हमारा होगा 3 VI cos φ। ठीक है, तो हमारे पास 3 into वोल्टेज, जो वोल्टेज हम कंसिडर कर रहे हैं वो किसके बीच में, फेज टू न्यूट्रल। तो फेज टू न्यूट्रल जो हमारा वोल्टेज होगा वो आपका क्या होगा 239.6, हमने अभी कैलकुलेट किया फेज टू फेज न्यूट्रल, और फेज टू फेज वोल्टेज हमारा 415 वोल्ट, इंटू करंट की वैल्यू हमने क्या कंसिडर किया था 5 एम्पेयर और पावर फैक्टर 0.8। तो हमारा यहाँ पे जो पावर आएगा वो क्या आएगा 2.875 किलोवाट। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो पिछला सिस्टम था जो मैंने किया था कि फेज़ वोल्टेज निकाल रहे थे तो उस केस में VL/√3 करके, तो वो भी सेम आया वैल्यू, फेज टू न्यूट्रल ले रहे थे। सेम मैंने इसको यहाँ पे भी वहाँ मोटर के केस में 3-phase 4-wire सिस्टम में भी दिखा दिया तो वैल्यू दोनों सेम आ रहा है। तो इसका मतलब 3 और √3 में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी चेंज नहीं होता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को बेसिक इलेक्ट्रिकल। थैंक यू वेरी मच।